चुलबुली टेल्स पर आज की कहानी है गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की। महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्या करने को कहा कि एक डाकू ने अपने बुरे काम छोड़ दिए? बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था, क्योंकि सब डरे हुए रहते थे। और इस डर का कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए जिनको भी वो मारता था उनकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था, और इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। आतंक मतलब डर से। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे, उनका सम्मान करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा गांव के लोगों में किसी बात को लेकर बहुत डर फैला हुआ है। तब बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा, और ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया कि कैसे वो लोगों को मारता है, उसकी उंगलियां काटता है और वो वहां जंगल में गुफा में रहता है। गांव वालों की बातें सुनकर अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया और बुद्ध उसकी गुफा के सामने से चुपचाप निकल गए और उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। और गांव के लोग जब उधर से जाते थे तो वो डर कर जल्दी जल्दी भागते थे, पर बुद्ध शांति से चलते जा रहे थे। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर बुद्ध का जो प्रकाश था ना, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की हुई थी, उनमें बहुत तेज था, तो अंगुलीमाल उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। थक हार कर अंगुलीमाल ने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुरा कर बोले, मैं तो कब का रुका हुआ हूं, पर तुम ये मारना पीटना कब रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध राज्य मुझसे डरता है। तुम्हारे पास में भी जो सामान है सब निकाल कर मुझे दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। बुद्ध तो जरा भी नहीं घबराए और शांति से बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना है? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर लाकर बुद्ध को दे दी। बुद्ध ने कहा, अब एक काम और करो, इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर पूछा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम इतने शक्तिशाली कैसे हुए? अंगुलीमाल चुप हो गया, कुछ नहीं कहा। तब बुद्ध वापस बोले, यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते
तो कम से कम उसे तोड़ो तो मत। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम उसे मार कैसे सकते हो? उसको मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि मैंने कितने लोगों को तंग किया, कितने लोगों को मारा, पर क्या मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो मैंने जो किया बहुत गलत किया। और इस गलती का एहसास होते ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को प्रणाम किया और उसके बाद वह बुद्ध का शिष्य बन गया। शिष्य मतलब उनका स्टूडेंट। और उसी गांव में रहकर, मगध में रहकर उसने लोगों की सेवा की, क्योंकि उसी गांव में उसने सबको परेशान किया था ना। तो उसके बाद से वो उसी गांव में रहकर और लोगों की सेवा करने लगा। तब लोगों ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अब बुरा इंसान नहीं था, अब वो अच्छा इंसान बन गया था। और आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और उसका नाम हुआ अहिंसका, और उस नाम से वो फेमस हुआ। तो समझ आई आपको अंगुलीमाल की कहानी? और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? कि हमें किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं है, चाहे वो फूल पत्ते हो, चाहे वो कोई इंसान हो। हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो समझे बच्चों, अंगुलीमाल की कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं? जरा मम्मी पापा से पूछना। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और हम जल्दी ही एक और नई कहानी आपको सुनाने आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहने की और नई कहानियां सुनते रहने की सूचना आपको मिलती रहेगी एपिलॉग मीडिया वेबसाइट पर, या आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना ना भूलें और हमारी कहानियाँ चुलबुली टेल्स पर सुनते रहें।